हाँ जी, तो आपके नजर में फिल्म से ज्यादा, बहुत ज्यादा आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे सब आप जैसे दिग्गज सिंगर्स अब उस चीज से पीछे नहीं हट रहे? समटाइम्स यू नो यू विल डू लॉट ऑफ फिल्म्स, यू आर डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, बट क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि सिंगल ज्यादा नहीं कर रही है? आपका क्या इसके ऊपर टेक है? मुझे ऐसा लगता है यार, पता नहीं लोग ऐसा मानते हैं, मेरे लिए फिल्म म्यूजिक नॉन फिल्म म्यूजिक म्यूजिक ही है। मतलब यहाँ पे भी मुझे म्यूजिक करना है, वहाँ पे भी म्यूजिक करना है। आई एम म्यूजिशियन, मुझे म्यूजिक से प्यार है जी। तो मुझे अच्छा म्यूजिक करने में यू नो हर वक्त मजा आएगा। और बस एक ये अलग क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि फिल्म में सिचुएशन होती है, पहले से पता होता है फिल्म का वो मूड होता है। नॉन फिल्म यू नो एक अच्छा गाना, कोशिश क्या होती है कि अच्छा गाना बनाते हैं और एक अच्छा वीडियो बनाते हैं। नॉन फिल्म में एक कोशिश ये होती है, तो बस यही डिफरेंस है। और बाकी आई थिंक दोनों म्यूजिक है, चाहे फिल्म म्यूजिक हो चाहे नॉन फिल्म। कोशिश अब उसमें भी क्या होता है कि क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है वैसा करें, तो उसमें भी म्यूजिक है। आई थिंक हर एक चीज़ में म्यूजिक ही है। राइट सर, आपके बहुत बड़े बड़े सिंगल्स बदतमीज एंड ऑल जिनमें आप खुद फीचर हुए हैं, हम अब आपको दोबारा खुद फीचर कब देख रहे हैं किसी गाने में? मैंने लॉकडाउन में अच्छा खासा पुट ऑन किया हुआ है, तो अभी जब मैं वापस से पतला पतला हो जाऊंगा तब देखा जाएगा। When we can see on screen, sir? पता नहीं यार अभी, म्यूजिक में तो आप हमेशा देखेंगे लेकिन ऑन स्क्रीन का मुझे आइडिया नहीं है। ओके, और आप कभी सर, आप इतने बड़े स्टार हैं, आप कभी फिल्म्स ऑफर होती है सर आपको एज एन एक्टर? सर बहुत, एज एन एक्टर सर मैं बहुत एक नॉर्मल म्यूजिशियन हूँ। वो स्टार स्टार मुझे समझ नहीं आता सर। मुझे लगता है कि म्यूजिक मेरे लिए बहुत, जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे इस मिट्टी ने दिया है, बॉम्बे ने जी, महाराष्ट्र ने, तो मैं यहाँ की इज्जत करता हूँ। आई थिंक डे बाई डे हम जब बढ़ते हैं तो एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं जी। तो पिछले 14 साल में, बाय द वे मुझे 13-14 साल हो गए हैं मुंबई में, तो पिछले 14 साल में मैंने वो एक्सपीरियंस गेन किया है। बाकी म्यूजिक मुझे तब भी आता था, म्यूजिक मुझे आज भी आता है। तो यहाँ पे जब आके मैंने काम किया तो दुनिया ने जाना, वो उससे मुझे लगता है कि चलो लोग मुझे प्यार करते हैं अनकंडीशनली, लेकिन आई एम जस्ट अ म्यूजिशियन। दैट्स राइट, थैंक यू सो मच।